सो आगर आम बाइंडिंग एनर्जी विषय पढ़ीचे ओके सो आज पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर और सिंपली वी कैन से एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ओके सो दिस इज द एनर्जी पर न्यूक्लियन और वी कैन से एवरेज बाइंडिंग एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस ओके सो जदि आमको न्यूक्लियस भीतर जदि जेकोसी गोटे न्यूक्लियस जमी गोटे प्रोटोन हो कि गोटे न्यूट्रॉन हो जदि ताको आमको बाहर करिवार अछि ताहले आमको जेतिके अमाउंट रो एनर्जी दबाको पड़िबो ताको आमे कहिबा कोन ना एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ओके सो से बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला कोन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और सिंपली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रो फॉर्मूला अछि कोन ना बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ओके सो जदि आम टोटल बाइंडिंग एनर्जी गोटे न्यूक्लियस पे जितकी बाइंडिंग एनर्जी अच्छे ताको जति डिवाइड करछे का सहित ना से न्यूक्लियस भितर केते नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केतेडा न्यूक्लियस अछंदी बा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ओके सो ताको हम केमते डिनोट करियो ना बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय दिस इज द मास नंबर ओके सो आम आगे जानचे बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सो डेल एम इंटू सी स्क्वायर आम आगे भी फॉर्मूला में डिराइव कर सारे सो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम होल इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल ए ओके एंड दिस बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी प्लेस ए वाइटल रोल बिकॉज दिस डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस कहीं सो आम यही जापर जो गोटे न्यूक्लियस स्टेबल ओके सो केमी जापर ना हायर इज द वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस ओके ताने कौन कहला ना एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जदि गोटे न्यूक्लियस आम कनसीडर करूचे जदि तार एवरेज बाइंडिंग एनर्जी हाई अच्छी तेल से न्यूक्लियसटा अधिक स्टेबल बट जदि से वैल्यू लो अच्छी तेल से कौन हम comparatively less stable. In this way, this determines the stability of the nucleus. Okay. So, jodi ame number of nucleus consider koruche, so each nucleus pai binding energy per nucleon kon hobo na different asibo. Okay, so semankar value different asibo. So, binding energy per nucleon aw atomic mass bitare ame kon kariba na graph trace kari pariba jemiti ki eti show kara haichi. Okay. सो यही ग्राफ डिफरेंट क्राइटेरिया गुड़ाक अच्छे ओके बट डिफरेंट फीचर्स गुड़ाक अच्छे सो फर्स्ट पॉइंट कौन जदि आम ग्राफ को ऑब्जर्व करवा देखा जे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइट न्यूक्लियस लाइक हाइड्रोजन ओके सो दिस इज वेरी स्मॉल सो यही ग्राफ रे आम कौन डिटरमाइन करपरिया जदि आम लाइट न्यूक्लियस आम कनसीडर करूचे कौन हम से लाइट न्यूक्लियस गुड़ाकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ओके से वैल्यू सपोर्ट कौन आसो ना स्मॉल आसो ओके एंड सेकंड पॉइंट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस रैपिडली फॉर न्यूक्लियस अप टू मास नंबर 20 ओके सो ये आम जब ऑब्जर्व करवा सो यहाँ गोटे आम स्ट्रेट लाइन जाइए सो ये कौन हो ना यहाँ भेरी लो रु रैपिडली कौन हो ना राइज करते पर्यंत अप टू नियर अबाउट 20 पर्यंत से कौन है ना राइज है ओके नेक्स्ट पॉइंट कौन जे ए डायग्राम रो बा ए ग्राफ रो हमें केतटा पीक गुड़ा देख परबा ओके सो ए पीक कौन डिटरमाइन करसन बा कौन रिप्रेजेंट करसन ना ए पीक रे क्यों सब न्यूक्लियस गुड़ा रोचन ना गोटे रोच हीलियम बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नियन ओके सो ए पीक कौन रिप्रेजेंट करुचे ना ए पीक रे जो सब न्यूक्लियस गुड़ाक अच्छा ओके बा जो सब न्यूक्लियस गुड़ाक अच्छा से मैंने कौन दे आर वेरी स्टेबल ओके देन अदर न्यूक्लियस सो अनदर पॉइंट कौन हम ना जदि आम मास नंबर कनसीडर करुचे ए 20 पर ठारू कौन हो ना मास नंबर कौन हो सरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कौन हो ना ग्राजुअली इनक्रीज करुचे सो बाइंडिंग एनर्जी रो एवरेज वैल्यू केते आसीबो ना एक और रो एवरेज वैल्यू होची नियर अबाउट 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आउ सेटा का भीतर एग्जिस्ट करूची ना एटॉमिक नंबर 42-120 भीतर ही से एग्जिस्ट करूची 42-120 भीतर ही मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करूची दिस इज नियर अबाउट 8.5 और 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
सो बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर जिते सब न्यूक्लियस गुड़ाक अच्छा सबुठ हाइस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू कह रही ना एटॉमिक मास नंबर हूँ 56 कह रहा आयरन रो ओके सो फॉर मास नंबर ए इक्वल टू 56 दैट इज फॉर आयरन ओके सो द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम एंड दिस इज इक्वल टू नियर अबाउट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो आम लाइट न्यूक्लियस कथा चिंता कले जोटा कि एटॉमिक मास नंबर के लेस देन 20 तापर आम कौन कनसीडर कले एटॉमिक मास नंबर इन बिटवीन 40 एंड 120 जार कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन सबुठ हाएस्ट बा मैक्सिमम ओके सो व्हाट अबाउट द एटॉमिक मास बियॉन्ड 120 ओके ता माने जेतिक सबु एटॉमिक मास नंबर रहिले माने 120 पर माने 140 160 लाइक दिस ओके सो सेमानकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रो वैल्यू केते सो कोन हुए ना एटॉमिक मास जत 120 रु क्रॉस करी जाए सो कोन हुए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली से कर्व कोन करे डिक्रीज करे आउ केते पर्यंत आसी थाए ना नियर अबाउट 7.5 और 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर्यंत आसी थाए सो ड्यू टू दिस लो वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन द हेवी न्यूक्ली आर कंपैरेटिवली अनस्टेबल सो ओवरऑल यू कैन कंक्लूड दैट द न्यूक्ली ऑफ इंटरमीडिएट मैसेस दैट इज ए इक्वल टू 40 टू 120 आर मोस्ट स्टेबल एंड ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू लिबरेट ईच ऑफ देयर न्यूक्लियस ओके सो ओवरऑल यू कैन से द न्यूक्ली हैविंग एटॉमिक मास नंबर लेस देन 20 ओके लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 120 आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल मीन्स वी कैन से सिंपली दीज आर अनस्टेबल बट द न्यूक्ली हैविंग एटॉमिक मास नंबर इन बिटवीन 40 एंड 120 ओके सो विद इन दिस रेंज ओके सो ऑल द न्यूक्ली आर मोर स्टेबल ओके सो ऑल दिस केसेस ऑल दिस पॉइंट्स आर मेन फीचर्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व.